बताना चाहता हूं कि इस नौतनवा की सरजमी पे, नौतनवा की धरती पर मिशन शक्ति कार्यक्रम जो चल रहा है उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं कि नौतनवा की एक बेटी वार्ड नंबर 14 की सृष्टि श्रीवास्तव ने अपना कीर्तिमान, अपने जज्बा, अपने काबिलियत के बदौलत एक मकाम हासिल किया है। इस बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े जहां विद्वान बैठे हुए थे, इस बेटी ने अपना लोहा मनवाया है। आज इस नौतनवा की धरती पे ऐसे बेटी का आपको वीडियो दिखाते हैं जिसपे आप गौरवान्वित महसूस करेंगे, आपको फक्र होगा कि नौतनवा की धरती ने ऐसी ऐसी बच्चियों को, ऐसी ऐसी माओ को, मैं उन माँ को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सृष्टि श्रीवास्तव को जन्म दिया। उन माता पिता को मैं नमन करता हूँ कि ऐसी विद्वान, ऐसी टैलेंटेड और जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना नाम रोशन कर रही है और साथ में नौतनवा का भी नाम रोशन कर रही है, आपको उसका एक झलक वीडियो दिखाता हूँ। धन्यवाद सबको जो भी ये वीडियो देख रहा है। और अब रही बात जहाँ तक मेरे स्कूली शिक्षा की, तो मेरा बेस तो नौतनवा से स्टार्ट हुआ था। मैंने LKG, UKG और फर्स्ट तक की पढ़ाई यहाँ से की है, होली क्रॉस स्कूल से। सेकेंड से लेकर टेंथ तक की पढ़ाई मेरी सेंट पॉल स्कूल गोरखपुर से हुई है और 11th-12th की पढ़ाई मेरी सेठ हमार जयपुरिया लखनऊ से हुई है। अभी हम BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और ये मेरा ग्रेजुएटिंग ईयर है और कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। और शिक्षा के अलावा आपने इससे हट के क्या क्या किया है उसको थोड़ा बताएं। ये सवाल मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे मतलब इस पर कुछ है मेरे पास बहुत ज़्यादा बोलने का, क्योंकि जो भी मैंने अपने इस जीवन में किया वो कहीं ना कहीं शिक्षा से ही रिलेटेड है, उससे हट के कुछ करना नहीं है। एम्बिशन है मेरा, एम है मेरा, करना है और शिक्षा के को जरिया बनाकर ही करना है। आगे क्या बनना चाहती हैं आप? आगे अभी तो मेरा जो मतलब मेरा ये मानना है कि जो थॉट आपके होते हैं वो कभी कांस्टेंट नहीं होते हैं। आप आज जो सोच रहे हैं, जो आपको जो चीज़ आपको आज सही लग रही है, हो सकता है कि कल ही वही चीज़ आपको गलत लगे क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाएं जहां पे वो गलत हो जाए। तो अभी का जो मेरा मानना है उस हिसाब से मेरा ये है कि मुझे आगे जाके भारतीय राजनीति में जाना है, क्योंकि भारतीय राजनीति की अपनी एक लेगेसी रही है, एक परंपरा रहा है, एक इतिहास रहा है जो बहुत ही गौरवशाली भी है और हम अपने उस इतिहास से बहुत कुछ सीखते भी हैं और उस इतिहास से अपने जो देश है हमारा उसके बारे में बहुत कुछ समझते भी हैं। तो अभी तो मुझे भारतीय राजनीति में ही जाना है, बट ये मैंने एक जरिया बनाया है, हो सकता है ये चीज़ें आगे बदल भी जाएं मेरे जैसे जैसे मुझे चीज़ों के बारे में पता चले, जैसे जैसे मेरी जानकारी और बढ़ेगी जो टॉपिक्स हैं उनको लेके, तो ये बदल भी सकता है। बट अभी तो भारतीय राजनीति है जो प्रमुख अपने एम्बिशन जो हम कहेंगे अपनी ज़िंदगी का, वो मेरा यही कि जो भी हो, जो भी रास्ता, जो भी जरिया हम चुने, मुझे एट द एंड मुझे ह्यूमैनिटी को ही सर्व करना है और अगर हम इंसान नहीं ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे तो फिर कौन करेगा। थैंक यू। आगे महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहती हैं? ये आपने मेरे मन के लायक वाली प्रश्न किया है। तो आप देखते चले आइए, जब से इंसान एग्जिस्टेंस में आया है, जब से इंसानियत इस धरती पे आई है, तब से उसका आधार एक महिला ही रही है। आप कहीं और मत जाइए, आप भारत का ही इतिहास उठा के देखिए। आप अभी हम एक कंटेम्प्रेरी इंडिया में रह रहे हैं, इसके पहले हम मिडिवल इंडिया में रहते थे और फिर हम एशियंट इंडिया में रहते थे। तो अगर हम एशियंट इंडिया का इतिहास उठा के देखते हैं तो हर एक समाज, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, उसकी आधार एक महिला ही रही है। जो उनको उस समय सम्मान मिलता था, ये हम ये कहेंगे कि भारत के विरासत या भारत के कल्चर की बदनसीबी है कि आज महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता है। जो आधार उस समय एक समाज की महिला होती थी, आज वो आधार नहीं रह गई है। ये आप पितृसत्ता का प्रभाव कह लीजिए या फिर आप ये कह लीजिए कि महिलाओं को वो एक्सपोजर, वो एजुकेशन, वो शिक्षा और वो आत्मसम्मान सम्मान का जो वो कहते हैं ना कि अवगत कराना, शायद वो अब हम कराना भूल गए। और उस टाइम से लेकर उस टाइम से अगर हम ट्रेस करें तो हम ये देखते हैं कि कैसे साल दर साल हम महिलाओं का, हम खुद एक महिला हैं, हम खुद उस कम्युनिटी से, उस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि चीज़ें कैसे डिफरेंट होती हैं एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए।
हम भारत के राजनीति राजधानी दिल्ली में रहते हैं, और मतलब आप ये मान लीजिए कि दिल्ली, आप चाहे जिस भी ग्राउंड से आते हैं, जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, दिल्ली एज अ प्लेस आपको बेस्ट देता है, बट जब एक सेफ्टी पे बात आती है तो भारत की राजधानी भी वहाँ पे खड़ी नहीं उतरती है। 8 बजे के बाद अगर हम भी अपने पीजी से निकलें तो दिल मेरा भी धड़कता है। मुझे भी ये रहता है कि जितनी करीब वो चीज़ मिल जाएगी जो चीज़ हम लेने जा रहे हैं, वो उतना मेरे लिए अच्छा होगा। एक ऐसे समाज में हम आ गए हैं। अब आप जो भी आज भारत में जो भी आज चीज़ें चल रही हैं, लोग अपने कहते हैं कि हिंदुज़म पे लोगों को बहुत नाज हो रहा है, हिंदुत्व पे लोगों को बहुत नाज हो रहा है, पर क्या हम उस हिंदुज़म या फिर हम उस हिंदुत्व को खड़े उतर रहे हैं जिस पे हम इतना नाज करते हैं? क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो रिलीजन है, उसकी बुनियाद ही एक महिला रही है। आप हमें एक ऐसा कोई भी समाज बता दीजिए, जो भी इस वीडियो को या इस इंटरव्यू नहीं कहेंगे, जो भी आप इसको कह लीजिए, जो भी इस चीज़ को सुन रहा है, आप मुझे एक ऐसा समाज बता दीजिए, एक ऐसा प्रोफेशन बता दीजिए, या फिर एक ऐसी कोई भी बुनियादी ढांचा हमारे मानव जीवन का बता दीजिए जहाँ पे महिलाओं का कोई बिना योगदान का कोई चीज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ ये भी हम कहना चाहेंगे कि अगर पुरुष जो है, अगर समाज बनाता है तो महिलाएं उसको पूर्ण करती हैं, उसको कंप्लीट करती हैं। हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन पे हम बोलना चाहेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन पे मेल पॉपुलेशन इज 51%, बट द फीमेल पॉपुलेशन इज 49%, विच इज ह्यूज, विच इज इफेक्टिव, विच इज इम्पैक्टफुल, विच इज आई हैव नो वर्ड्स टू यू नो टू एम्फसाइज ऑन दिस कि हाउ इम्पैक्टफुल वी आर, हाउ स्ट्रॉन्ग आवर वॉइस इज। सो आप अपने अस्तित्व के इम्पोर्टेंस को समझिए, और सबसे अच्छा अपने अस्तित्व के इम्पोर्टेंस को समझने का जरिया है वो है पढ़ाई, वो है शिक्षा। इस वजह से मत पढ़िए क्योंकि आपको बस पढ़ना है, इस वजह से पढ़िए क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी खोजनी है, आपको समाज में वो रिस्पेक्ट लेना है जिसके लिए आप हकदार हैं, जिसके लिए। और शिक्षा आपको वो चीज ऐसे उसमें नहीं दिलाएगी कि वो चीज आपको मिल गई है, आप उसके लिए काम करेंगे। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, उसको स्वतंत्रता सन 1776 में मिली थी, और उसका जो संविधान था वो 1788 में आया था। उस टाइम से लेके आज हम 2021 में हैं, इतने 200 साल के ग्लोरियस इतिहास में आज तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई फीमेल प्रेसिडेंट, तो छोड़ दीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बनी थी, लेकिन आज कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और बस इतना ही नहीं, वो एक ब्लैक वुमेन है, उनके जो रूट्स हैं वो एशिया इंडिया से हैं। तो जब वो एक ऐसे जगह पे जहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी चलती है, जहाँ पे इतना ज्यादा क्लासिसिज्म चलता है, वहां पे अगर वो यहां से होकर उठ सकती हैं और वाइस प्रेसिडेंट बन सकती हैं और लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बन सकती हैं, तो हम भी बन सकते हैं। इफ कमला कैन, सो कैन बी। सो प्लीज एम्फसाइज ऑन योर एजुकेशन। बस इस वजह से मत पढ़िए क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो लोग कुछ नहीं आपको समझेंगे। प्लीज इस तरह अपने एजुकेशन को, अपने पढ़ाई को, अपने नॉलेज को, अपने विजडम को प्लीज कम मत समझिए। आप बहुत पावरफुल हैं, आपके अंदर वो हर एक काबिलियत है जो काबिलियत हमें हमारे ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए चाहिए, हमें हमारे समाज को बचाने के लिए चाहिए, और हमें हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए चाहिए। थैंक यू।